नमस्कार जो प्रकाश सिंह साहब, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, लाइफ सिटी से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस मतलब जिसे आर्थिक रूप से आरक्षण का आधार माना गया, 10% का आरक्षण दिया गया और इसे सवर्णों का आरक्षण भी कह देते हैं लोग, फॉरवर्ड क्लास के लिए आरक्षण, तो उसे चुनौती दी गई थी कि ये आरक्षण जो नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया था वो गलत किया था। पहले भी चुनौती दी गई थी, संविधान पीठ में सुनवाई हुई थी, तब यू ललित साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वे भी इस आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर से संविधान पीठ में मामला आया और अब तो फिर से फैसला आ गया। क्या है अपडेट? देखिए, पहले जो चुनौती दी गई थी, जो 103rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, जी, जो 12 जनवरी को जिस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर साइन हो कंसेंट हुआ था जी, और 14 जनवरी से यह लागू हो गया था जी, इसके तहत 10% सवर्णों का तो नहीं, उन्होंने कहा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं जी, उनको आरक्षण का सुविधा एजुकेशन में जी, सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त करने में जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में दी जाएगी जी। राज्य की सरकारें चाहें तो इसको लागू कर सकती हैं, राज्य सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं था ये। बिहार में भी लागू कर दिया गया, बिहार में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार में भी लागू कर दिया जी। वो लेकिन एक शर्त लगाया गया था कि जो लोग पहले से आरक्षित हैं, हाँ, अब उसमें एक ने एक शर्त था, पहला शर्त था जो जो क्रीमी लेयर में आते हैं जी, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए सालाना है जी, या जिनके पास कृषि भूमि 5 एकड़ है जी, या जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट का म्युनिसिपल एरिया में मकान है जी, या 2000 स्क्वायर फीट का नॉन म्युनिसिपल एरिया में मकान है जी, वैसे लोग इस आर्थिक आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे, वो इससे वंचित हो जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया था जी। इसको सवर्णों का आरक्षण तो नहीं कहा जाए, एक नई चीज जो कि उन्होंने कहा कि पिछड़ापन को जब आरक्षण दिया गया उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया और संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में एक नया एडिशन हुआ जिसको 15(5) और उसका जो सब आर्टिकल है 5 और 6 दोनों में ऐड किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें भी सहारा दिया जाएगा। देखिए, आरक्षण तो एक राज्य के द्वारा एक ऐसा एक्शन है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा गाइडेड होता है और उसमें ऐसा होता है कि जो कमजोर लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए, ये राज्य के द्वारा एक्शन है। लेकिन संविधान में एक प्रावधान है कि आप 50% से अधिक नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब ये आरक्षण दिया गया तो ये करीब करीब 60% हो गया, तो इसी को चुनौती दी जा रही थी, हुआ क्या? जी हाँ, एक वो इंदिरा सैनी जजमेंट जिसमें ऐसा कहा गया था कि कोई भी आरक्षण 50% से ऊपर नहीं दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का जिसको कि मूलभूत ढांचा कहा जाता है उसका उल्लंघन होगा। लेकिन जब संविधान पीठ में ये बातें गई, इन्होंने कहा उस 50% जो आरक्षण है जिनके लिए ये बात कही गई थी उनका कोई आरक्षण नहीं लिया गया है, ये उनमें से लिया गया है जो अनारक्षित हैं, जिनको पहले से आरक्षण नहीं मिला है, किसी भी ढंग का कोई लाभ राज्य से नहीं मिला है, उनके लिए लिया गया है, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं है। शेष 50% में से 10% और ले लिया लोगों ने। हाँ, 10% नहीं, उसमें मिला के 59.5% हो रहा है, 0.5% कम हो जा रहा है। यूथ फॉर इक्वलिटी जो आपके यहाँ जाति जनगणना को लेके आई गई वही संस्था इसमें को चुनौती दी थी और उस समय 5 जज उसमें थे, जिसमें 5 जज में आपके आपने कहा ये जस्टिस यू ललित थे, जस्टिस रविंदर भट्ट थे, इन लोगों ने नोट ऑफ डिसेंट दिया था, ये लोग लागू ये लोग राजी नहीं हुए थे, पक्ष में नहीं थे, इन लोगों ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये कहीं ना कहीं पक्षपात है कि अगर आप आर्थिक जो पिछड़ापन है इसी को आधार मानते हैं, इसमें उन लोगों को भी लिया जाए जो लोगों को और कोई आरक्षण पहले से प्राप्त है, उसमें भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको भी लिया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें एक क्लॉज लगा हुआ था कि जिनको कोई भी आरक्षण पहले से प्राप्त है उनको ये आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें जो बाकी जो 3 जस्टिस थे, जस्टिस डी के महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस जे वी पारदीवाला, इन लोगों ने उसके पक्ष में मत दिया था और इस कारण से 3-2 के
मेजोरिटी से ये निर्णय हो गया था जो 7 नवंबर 2022 को निर्णय हुआ था। चलिए 2022 की बात अब हम लोग अब इसको पुनः चुनौती दी गई। चुनौती नहीं, रिव्यू पिटीशन था। रिव्यू पिटीशन बड़ा लिमिटेड होता है। रिव्यू पिटीशन पहले भी जाते बिहार में भी आ गया था। रिव्यू पिटीशन यद्यपि एक कानूनी मामला है, ये सीपीसी के सिविल प्रोसीज्योर कोड के ऑर्डर 47 रूल 1 में लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी चूक जो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे किसी का नाम गलत लिखा गया या कोई हिसाब लिखना है लाख लिखा गया हजार, या कोई ऐसी बात जो ऐसा कोई गलती से लिखा हो, निर्णय गलत नहीं है, आप निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसी गलती जो किसी गलती इस कारण रह गया है, उस गलती के लिए उसमें रिव्यू पिटीशन और क्योरिटी पिटीशन बाय नाम से, अपने नाम से यह स्पष्ट है कि कोई गलती रह गई उसको क्योर करने के लिए। अभी जब 5 जज का बेंच बैठा, जिसमें कि नए में आ गए, चूंकि नॉर्मली रिव्यू पिटीशन उसी बेंच में जाता है जो पहले उस बेंच में थे, लेकिन इस बार चंद्रचूड़ साहब भी आ गए, क्योंकि इस बार चूंकि चीफ जस्टिस वो थे तो वो आ गए, बाकी सारे जजेज वही थे। और पिछले बार तो चूंकि यह जो निर्णय था वो 3-2 के मेजोरिटी से था, इस बार जो रिजेक्शन हुआ है रिव्यू पिटीशन का वो यूनेनिमस हो गया, मतलब 5-5 पांचों जजों ने कहा कि अब चूंकि ऑर्डर 47 रूल 1 में रिव्यू में कहीं को इसमें ऐसा कोई एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इस रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट किया जाता है। अच्छा, तो इसका आशय ये हुआ कि जो अब समझिए कि फाइनल मोहर लग गया, इसमें अब फर्दर कोई कार्रवाई, फर्दर कोई सुनवाई 5 जज संविधान पीठ तो अब नहीं कर सकती जी। इसका आशय ये हुआ कि जो सवर्णों का आरक्षण है, जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, कि वो आरक्षण 10% बहाल रहेगा। सवर्णों का इसलिए कहा जाता है, उन्होंने कहा कि देश में जो गरीबी रेखा से लोग हैं वो लगभग 31.7 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जी। उस 31.7 करोड़ की में लगभग 38% शेड्यूल कास्ट है जी, और 48.4% शेड्यूल ट्राइब है जी, और 13.86% जो है सो ओबीसी है जी, जबकि जो जो अपर कास्ट हैं जिनको सवर्ण आप कह रहे हैं जी, उनकी संख्या मात्र 5.85% है। ये मैं उनकी गिनती कर रहा हूं जो 31.7 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसी पर जस्टिस भट्ट ने कहा था कि ये तो केवल 5.85 के लिए है, बाकी लोगों को नहीं किया गया, इसलिए पक्षपातपूर्ण निर्णय है, यह कहा गया था जस्टिस भट्ट के द्वारा। और बाद में जस्टिस यूवी ललित ने भी कहा कि मुझे भी ये सही लगता है जी। मतलब ये 5 करोड़ जो सवर्ण गरीब हैं उनको जो मिला आरक्षण, चाहे भले ही विरोध कर 5.85% ऑफ 31.7, अच्छा 5.85% ऑफ, मतलब 1.5-2 करोड़, मतलब जी। तो जो ये 1.5-2 करोड़ लोगों को मिला आरक्षण, वो आरक्षण बहाल रहेगा, यह बात तो स्पष्ट हो गई जी जी जी। और जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें संविधान पीठ से झटका मिला है। जो लोग विरोध इसलिए कर रहे थे कि भाई यह जो 10% गया तो उन्हीं लोगों का गया जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनका 8 लाख से ऊपर इनकम है, उनको तो कुछ नहीं मिला ना, बल्कि उनके हिस्से में से 10% चला गया जी जी। यही बात थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिंह साहब, आपसे बने रहेंगे, देखते रहिए लाइफ फिट इसको। थैंक यू।